हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गेस्ट स्पेशल डिनर मेन्यू शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपीज़ आप अपने गेस्ट के लिए लंच में भी बना सकते हैं और जितनी भी रेसिपीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी वो सारी इंडियन वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं। मैं ये श्योर नहीं कर सकती कि आप इस रेसिपीज़ को एक घंटे में या दो घंटे में बना लेंगे, बट आई कैन श्योर यू कि अगर आप बहुत दिल से प्यार से इन रेसिपीज़ को बनाएंगे, इस मेन्यू को बनाएंगे, तो आपके गेस्ट को और आपके घर वालों को ये सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के मेन्यू में क्या क्या है। जब भी आप इस तरीके की लार्ज स्केल कुकिंग करते हैं, गेस्ट को अपने घर बुलाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेन्यू प्लानिंग कर लें। मेन्यू प्लानिंग आप एक दो दिन पहले कर लें, जिससे कि अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग आप ग्रोसरी शॉपिंग कर लें और फिर जिस दिन आपको कुकिंग करनी है तो आपके पास सारा सामान रहे, आपको पता रहे कि आपको क्या क्या कुक करना है, तो आपका कुकिंग प्रोसेस ओवरऑल बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए, ये मेरा प्रॉपर मेन्यू तैयार हो चुका है मेरे गेस्ट के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं पूरियों का आटा और उसके लिए मैंने व्हीट फ्लोर लिया है। उसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन इस तरीके से क्रश करके ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी मोइन के लिए। वैसे तो लोग काफ़ी ऑयल ऐड करते हैं बट मैंने अराउंड 2 टीस्पून ही ऐड किया है। और अब इसे हल्के गुनगुने पानी से मैं टाइट सा आटा गूँधूँगी। जितना आप टाइट आटा गूँधेंगे उतनी ही पूरियाँ आपकी सॉफ्ट बनेंगी। तो देखिए, गूंद के मैंने एक अलग कंटेनर में आटे को निकाल के रख दिया है और एक मॉइस्ट किचन टॉवल से मैं ढक दूंगी, जिससे कि मेरा आटा पपड़ाए ना और जब गेस्ट आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म पूरियाँ खिलाऊंगी। तो अब चलते हैं, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है पूरी, पराठे, चावल सभी के साथ। तो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें हींग, जीरा और टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं आलू और गोभी दोनों ही एक साथ ऐड कर दूंगी और ऊपर से मटर भी ऐड कर दूंगी। मैंने फ्रोज़न मटर लिया है और अब सारे मसाले, तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर, और बस आप अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और लो फ्लेम पे कवर करके आप इसे कुक करें। इस सब्ज़ी को कुक होने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आप जितना सूखी सब्ज़ी को अच्छे से सेकेंगे उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं मलाई कोफ्ता। ये देखने में जितनी रिच लग रही है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी खाने में। तो अभी मैं अपनी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी को दूसरी स्टफ पे रख देती हूँ और मलाई कोफ्ते की तैयारी शुरू करती हूँ। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें ग्रीन चिली ऐड की है, 1 मीडियम साइज़ अनियन और 4 टमेटोज़ ऐड किए हैं। सब रफली चॉप किया है क्योंकि एनीवेज लास्ट में हमें इसकी प्योरी बनानी है, तो बस रफली चॉप कीजिएगा आप भी इसे। और 1 इंच जिंजर पीस भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है चॉप करके, और हैंडफुल ऑफ कैश्यूज़ भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे ही सब्ज़ी का रिचनेस आएगा। और अब आप इसे अच्छे से सॉटे होने दीजिए। जब टमेटो आपका अच्छे से पक जाएगा तो इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और बीच बीच में मैं अपनी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी को भी चेक कर रही हूँ। तो देखिए, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। तो अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, अमचूर पाउडर डाल दूँगी और गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता इसमें डाल दूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं मलाई कोफ्ते के लिए कोफ्ता। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे ग्रेट कर लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट ऐड करूँगी। और आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे पोटैटो का टेस्ट मलाई कोफ्ते में नहीं पसंद है, इसीलिए मैं प्लेन पनीर के कोफ्ते बनाऊँगी। और बाइंडिंग एजेंट के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड की है और 200 ग्राम पनीर में मैंने टोटल अराउंड 2.5 टीस्पून मैदा ऐड करी थी, तो अभी मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिए और इसे गूंथते गूंथते टाइम मैं 1.5 टीस्पून और ऐड कर लूँगी। तो देखिए, इसे अच्छे से मल मल के आप इसका एक डो तैयार करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कप अच्छे से मल चुका है, आपके हाथों में ऑयल आने लगेगा पनीर का, तो तभी परफेक्ट टाइम होता है इसको एज अ डो बनाने का।
क्योंकि जितना आप इसे अच्छे से मलेंगे उतने ही सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे। तो देखिए कोफ्ते बनाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा डो ले लिया है इस तरीके से हाथ में, और एक होलो स्पेस बना लिया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं अपनी फिलिंग डालूंगी। तो मैंने थोड़ा सा चॉप्ड कैश्यूज एंड किशमिश डाला है, और इसे अब मैं सील कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो प्लेन कोफ्ते भी बना सकते हैं, बट अगर आप स्टफ्ड कोफ्ते बनाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। और बस कुछ इसी तरीके से मैंने अपने सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। आप ध्यान रखें कि कोफ्तों को अच्छे से सील करें, अदरवाइज वो तेल में जब आप फ्राई करेंगे तो वो खुल सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल भी गरम कर लिया है, और फ्राई करते टाइम मैंने तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि इससे आपके जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से सिकेंगे अंदर तक। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें सेकेंगे तो सिर्फ आउटर कवरिंग ब्राउन हो जाएगी और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लो मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें सेकें। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें इस तरीके से ही पलट पलट कर सेकती रहूंगी। तो देखिए लग रहे हैं ना ये कोफ्ते देखने में ही कितने टेम्पटिंग। तो अब बढ़ते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। तो मैंने सेम पैन में थोड़ा सा घी लिया है, उसमें जीरा डाला है। मुझे मलाई कोफ्ते में बहुत ज़्यादा खड़े मसालों का फ्लेवर नहीं पसंद है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ इसे। और जो हमने प्याज टमाटर कैशूज भून के रखे थे उनका मैंने प्योरी बना लिया है, और अब इसको मैं पैन में डाल के अच्छे से सेकूंगी। आपको दिख जाएगा कि ऑयल ओज आउट होने लगा है, तो तभी परफेक्ट टाइम होता है कुछ और मसाले ऐड करने का। तो आप इसी तरीके से चला चला के उसे 5 से 7 मिनट तक सेकते रहें, और देखिए ऑयल आपको थोड़ा थोड़ा साइड में दिखेगा। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने पनीर मसाला, कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला ऐड किया है, जस्ट बेसिक स्पाइसेस, क्योंकि मैं इसमें कोफ्तों का फ्लेवर लाना चाहती हूँ सब्ज़ी में। और अब सारे मसालों को भी आप 3 से 4 मिनट अच्छे से चलाते हुए सेकें, जिससे कि मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्ज़ी में। तो जब ये आपकी ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए तब इसमें दूध डाल दें। चाहे तो आप पानी डाल के भी बना सकते हैं ग्रेवी, बट अगर आपको ये सब्ज़ी थोड़ी सी रिच बनानी है तो दूध डालें। तो मैंने इसमें फुल क्रीम दूध डाला है, अराउंड 1.5 कप। तो 1 कप मैंने अभी डाला है और 1/2 कप मैं बाद में डालूंगी ग्रेवी को पतला करने के लिए। और बस अब दूध में बॉयल आने दें। तो इसी तरीके से आप चलाते चलाते पकाएं, अदरवाइज दूध फट भी जा सकता है। और ये रूम टेम्परेचर का दूध था। तो देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में इसमें मैंने नमक डाला है, और नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालें क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है। और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इस तरीके से हैंड से ही क्रश करके ऐड करूँगी, ये सब्ज़ी का टेस्ट दुगना कर देती है। और बस फ्लेम को ऑफ कर दें और अपने सारे कोफ्ते ग्रेवी में डाल दें, जिससे कि कोफ्ते भी थोड़ी सी ग्रेवी सोख लेंगे, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फिर सब्जी का। आप चाहें तो सर्व करते वक्त थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऊपर से इसमें डालकर अपने गेस्ट को सर्व करें। तो चलिए अब बनाते हैं भिंडी दो प्याज़ा। और उसके लिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। तो अमचूर पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हींग और नमक। और अब इन सारे मसालों को मिलाने के लिए मैंने अराउंड 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, और अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मस्टर्ड ऑयल से सारे मसाले थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे कि जब आप इन्हें भिंडी में भरेंगे तो वो थोड़ा सा स्टिक कर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने अराउंड 200 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है, चीरा लगाया है, जिससे कि ये मसाले को कंटेन कर पाए। और बस अब मैं मसाले अच्छे से फिल कर लूँगी भिंडी में। और सब्ज़ी को थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखाने के लिए जो बड़ी भिंडी है उनको मैं हाफ कर रही हूँ इस तरीके से। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बड़ी भिंडी भी रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ी सिमेट्रिकल सब्ज़ी अच्छी लगती है देखने में, इसीलिए मैंने इसको हाफ कर लिया है।
और अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और मैं भिंडी डालकर पहले भिंडी को अच्छे से कुक कर लूँगी। भिंडी 5 से 7 मिनट में ही कुक हो जाएगी। कवर करके आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे कुक करें। थोड़ा सा जेंटली ही आप इसे चलाएं, अदरवाइज भिंडी टूट भी सकती है। और जब तक भिंडी पक रही है तब तक हम अपनी धनिया की चटनी भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो ब्लेंडर में मैंने डाला है ग्रीन चिली और अदरक। उसके बाद मैंने इमली डाली है। इमली से खट्टी चटनी बनती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। थोड़ी सी इमली डाली है, ये सीडलेस इमली है। और 1 मंच मैंने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और ऊपर से सॉल्ट, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और देखिए ये हमारी कितनी रिच कलर, ग्रीन कलर की चटनी बनी है। ये टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो देखिए यहाँ पे हमारी भिंडी भी पक चुकी है, 5 से 7 मिनट में ही पक गई है ये। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लूँगी। और ये मसाला भिंडी की तरह आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। बट अगर आपको भिंडी दो प्याज़ा बनाना है तो आप आगे वाले स्टेप्स को भी फॉलो करिएगा। तो सेम ही कंटेनर में मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर से ले लिया है और उसमें मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन से भिंडी डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। और उसके बाद इसमें मैंने 1 चॉप्ड गार्लिक डाला है, लाइक 1 क्लोव ऑफ गार्लिक। और उसके बाद इसमें मैं 2 मीडियम साइज अनियन ऐड कर रही हूँ। मैंने अनियंस को लंबा लंबा इस तरीके से स्लिट किया है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं इसको ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करती रहूँगी। नमक हिसाब से ही डालें क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी भिंडी में भी डाला हुआ है। तो देखिए हमारी जो प्याज है वो हाफ वे डन हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं अपनी भिंडी भी डाल दूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी मैगी का मैजिक मसाला। ये मसाला है, मैजिक मसाला है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इस मसाले से। ये मैं दालों में भी डालती हूँ और ये इजीली आपको इंडियन स्टोर पे मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मिक्स कर रही हूँ मैं सब्ज़ी को। पानी इसलिए ऐड किया है जिससे कि सब्ज़ी नीचे से जले ना। और अब इसे मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी। तो देखिए हमारी भिंडी दो प्याज़ा भी बन गई है। अब बनाते हैं शाही पुलाव। और इसके लिए मैंने कंटेनर में लिया है घी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, हैंडफुल ऑफ कैश्यूज, किशमिश और थोड़े से मैं इसमें आलमंड्स डाल रही हूँ। ये आलमंड स्लाइसेस हैं। थोड़ा सा भून लेंगे हम सारे अपने इंग्रेडिएंट्स को। और उसके बाद मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। पनीर को भी मैं हल्का सा भून लूँगी जिससे कि इसका जो आउटर कवर है वो हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए। ये फिर चावल में देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं इसमें बॉइल्ड राइस भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसा ही ये राइस ऐड करके, पानी ऐड करके बनाएं, बट मैंने बॉइल कर लिया था राइस को। और उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड करके बस चावल को मिला दिया है और बहुत ही झटपट बन जाते हैं ये शाही पुलाव। और मीठे में आज मैंने बनाया है गुलाब जामुन। एक्चुअली गुलाब जामुन मैंने कल रात में ही बना लिया था। ये MTR का जो पाउडर मिक्स आता है उससे मैंने बनाया है। और बाय चांस मैं बिल्कुल भूल गई शूट करना, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं इसकी रेसिपी जल्दी ही आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी। तो बस आज मैंने ऊपर से इसे पिस्ताचियो से गार्निश किया है। अब बनाते हैं रायता। बूंदी का रायता बना रही हूँ मैं। तो मैंने बूंदी को ऑलरेडी सोक करके रखा था। उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया है अभी। तो और गार्निश करने के लिए भुना जीरा पाउडर और नमक और धनिया पत्ता डाल दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काले नमक से इस रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बस ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर लें। तो डेकोरेट करने के लिए भुना जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया मैंने डाल दिया है। अब बनाते हैं वेलकम ड्रिंक। मैंने अपने गेस्ट को डिनर पे बुलाया है तो वेलकम के लिए मैं मैंगो शेक बना रही हूँ क्योंकि समर्स है और मैंगो शेक सभी का बहुत फेवरेट होता है। तो बस मैंने मैंगो शेक में बनाने के लिए मैंगो 2 मैंगोज़ लिए हैं जिन्हें स्लाइस करके ब्लेंडर में डाला था और हनी डाला है और दूध डाल के ब्लेंड कर लिया है। ये सभी की बहुत ही फेवरेट ड्रिंक होती है। और सर्व करते टाइम आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से आलमंड्स डाल लें, क्रंची भी हो जाएगी आपकी ड्रिंक और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और ऊपर से आप 2-3 स्ट्रैंड्स हर ग्लास में केसर के डाल देंगे तो इसका कलर जो है केसर का येलो येलो वो भी आपकी ड्रिंक में आने लगेगा जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा।
यही कुछ रेसिपीज थी जो मैंने अपने गेस्ट के लिए बनाई थी जो मेरे घर सैटरडे को आए थे, एंड ट्रस्ट मी मेरे गेस्ट को सारी रेसिपीज बहुत पसंद आई। सो आई वुड रिकमेंड कि आप भी इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करिएगा, और अगर आप ट्राई करते हैं तो अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स फीडबैक जरूर इस कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा इस वीडियो के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप कोई रेसिपी रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो यू कैन सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर रेसिपी ओवर द ईमेल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चल रही, टेक केयर, बाय।